ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। पापा जी भी काफी उदास होते हुए झूठ बोल कर आ रखे है। ये क्या बोल रहा है मीठा दुकानदार? सब ये पूछने वालों ने मेरा दिमाग ही खराब। ये चाची जी कह रही है मेले में खो गई थी और मैं मिल गई। क्या कैसा रहा? ये रोने लग गई है। आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज ना सच को ईरान मंथ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर टाइम भी ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी दिल की सारी चीजें कर रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे बेबी का मंथ डे सेलिब्रेट करना चाहिए। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। मैं मंथ नीचे लिखने वाली थी लेकिन मंथ नीचे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ईरान मंथ अच्छा भी लग रहा था इसलिए इधर पे लिख दिया है। और हमारी हेल्प हमारे रोहित भी कर रहे हैं, मेरी दीदी का लड़का लगा पड़ा है उसने, क्योंकि सच भी आ जाएगा कमरा। भाई तू बिगाड़ मत, हाँ मेरे कलाकारी की जो ऐसी भी टैसी मुझ पर पूरा फैला दे रहा है। यहाँ पर मैंने भाई से इसको करने के लिए बोला, भाई ने इसकी ऐसी टैसी बताई। आपके लिए टेडी बियर रेडी है यहाँ पर। टेडी बियर टर्न अराउंड। तो हमारे तक्ष को 11th मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी इसको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो। अब आपका बर्थडे भी जल्दी आने वाला है। नहीं कह रही हूँ, मैंने प्यार से बना रखा है तुझे, तो मेरी मेहनत का कुछ दिख ही नहीं रहा है। खाने लग गया तू चिप। टेडी बियर भी देखो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा है। और इचकी क्या गलती है, यहाँ पर है इचका दोस्त ही तो ये। हाँ हैप्पी 11th मंथ बेबी, हैप्पी 11th। आ जाओ आप ही 11th मंथ की बधाई दे दो। हैप्पी 11th मंथ बोल, ऐसे बोल सच। हैप्पी 11th मंथ। आज भाई साहब जाने लग गए हैं, ये भाई पैकिंग चेकिंग कर रहा है। ये बैग भी तैयार हो गया है, ये बैग भी तैयार हो गई, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। तो भाई की भी पैकिंग हो गई है। ये भाई को बहुत दुख हो रहा है, भाई जा रहा है घर के। अभी तक रोने में ही था, अभी बड़ी मुश्किल से चुप हो रखा है ये, मैंने मना रखा है। ये भी बहुत रो रहा था अभी तक, दोनों भाई गले में मिलकर रो रहे थे। मैंने कहा ऐसे रो कर क्या करोगे, जाना तो है ही ड्यूटी, तो चुप हो जाओ। मम्मी भी बहुत रो रही है, दिखाती हूँ। तो मैं अभी आ रही हूँ बुआ लोगों के घर पे, मोनिका मैंने लगी है खातरदारी में, भात दाल लेकर आई है, अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ। आज इनके घर में श्राद्ध है, वैसे तो नहीं आने वाले, तबीयत खराब हो रखी है मेरी, सर्दी जुकाम हो रखा, लेकिन आमा का मन रखने के लिए थोड़ा सा खा जा रही हूँ, फिर अब सीधे मिलती हूँ घर में। घर से आ रही थी ये भाई, तो बैग पकड़ कर नीचे ही पहुँच गया, तो मुझे दौड़ दौड़ कर आना पड़ा। मैंने सोचा कहीं मेरे जाने तक ये चला ना जाए। क्यों भाई, तू तो 3 बजे जाने वाला था। सामान वामान आ चुका है इनका, जाते टाइम का ये मुखड़ा रोना धोना नहीं हुआ। टिकाई का लगाने की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थी इनके घर में, इनने मेरे को बताया नहीं। पापा जी भी काफी उदास होते हुए, काफी उदास होते हुए पापा जी। क्यों पूछे फिर, क्या करें, हमारी मम्मी जी आज सुबह से बहुत ज्यादा अपसेट है, रोने में ही है, छोटी छोटी सी आंखें हो रखी है हमारी मम्मी जी की। भाई हैप्पी जर्नी। आज हम रेडी शेडी होकर चल दिए हैं मेले में। यहाँ पर ना गोलजू महोत्सव लगता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है वो, यहाँ पर नाच गाने भी होते हैं, डांस भी होते हैं और मेला भी काफ़ी बड़ा और अच्छा लगे रहता है, भीड़ भी काफ़ी देखने को मिलती है। यहाँ 2 सालों के बाद ये मेला लग रहा है। और मैं झूठ बोल कर आ रखी है, ये आने के हमारे साथ मेले में आ रही है, घर में खेल कर आई है, मैं मीरा को बहुत देख रही हूँ। लोग पैदल पैदल सफ़र कर रहे हैं, हमारे लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही है क्योंकि आजकल ना सुलारगांव से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। गेट है जहाँ से कि आगे को हम मेले के लिए जाते हैं, लेकिन हम आगे से जाएंगे क्योंकि मेरा मार्केट में काम है थोड़ा सा। मोनिका पहली बार हमें आइसक्रीम पिलाते हुए नजर आती है, इसके जेब से कभी रुपए नहीं झड़ते थे, आज मुश्किल से पता नहीं कैसे झड़ गए हैं। आइसक्रीम खिला रही है हमें, हमें आइसक्रीम खिला दी है, सबको खिला दी है।
कच्चा आम फ्लेवर, थैंक यू बहन, पक्का आम फ्लेवर, थैंक यू बहना। से मेला दिख रहा है ये रोड से, इतना बड़ा झूला लगा हुआ है। तो यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका है, हम ये अंदर की तरफ को जा रहे हैं। ये दो दो गेट लगे हुए हैं। अब देखो कैसा लग रहा है इस बार का मेला। हाथ से कोई फोन छीन कर ले जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सोशल मीडिया में होता है ऐसी चीजें, अच्छे से पकड़े हैं ना टाइट। दिदा को जाते ये कुर्तियाँ पसंद आ चुकी हैं, बार्गेनिंग करते हुए ये इन कपड़े मतलब गर्मियों के पर्पस के लिए सही होते हैं। मेले में खूब ही जाते हैं, सुन रखा है लोग। पार्टी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। यहाँ स्विमिंग पूल चल रहा है क्या? ये मौसम खराब होते हुए मुझे ना, मेरी जूतियाँ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, इसलिए मुझे जूतियाँ लेनी है। तो थोड़ा देख लेती हूँ वहाँ पर कैसी, लेकिन वहाँ सॉक्स है, हमारी झंड हो गई है, दूर से वो जूतियाँ लग रही थी, लेकिन पास जाकर देखा तो सॉक्स निकले वो। तो यहाँ पर बहन को कुछ पसंद आया तो बताओ बहन। बहन भाई चप्पल वाली 300 की दे रहे हैं यार, लगाने की आवश्यकता नहीं। ये 125 वाला सो में, ये 120 वाला सो में, और ये आएगा 250 का हो जाएगा सेट। ये 60 में यहाँ से खोलेंगे ना कोई भी, ऐसे देखो साबुन पानी सब पानी डाले लगा दे, बटन दबाएंगे लिक्विड बाहर यूज करें, घर में कढ़ाई भगोना कुकर तवंगा गैस का चूल्हा वाश बेसन, ये टाइल सिंक वॉश बेसन साफ पानी के लिए होते हैं, सबको करेगा क्लीन। क्या बोल रहा है मेरा दुकानदार? सब ये पूछने वालों ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। तो सब दुकानदार डांस सोचो यार उस टाइप में ले। अच्छा लगेगा नहीं खिलेगा वैसे लगातार मैं 10 दिन बाद वापस लाऊंगी, ठीक है? पक्का आना है आपको, करना है ये उलझ गई है, देख सकते हैं। वाह ये कितना बढ़िया लग रही है, अच्छा 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 दिखा। ये चाची जी कह रही है मेले में खो गई थी, मैं मिल गई। मीरा मैं अपना नाक छिदवा रही हूँ यार, आजा। के हमारे कभी नाक नहीं छिदवाती थी, आज इसका लिखा है बिना दर्द के नाक कान छिदवा दो, तो ये दिखता यहाँ पर नाक छिदवाने लगी है। लेकिन सोने की बनवाने के लिए दे रखी है ना, अभी यही पड़ेगी, नहीं नहीं होगा वो। छेद से थोड़ा तो ऊपर दे दो, ये नीचे है थोड़ा छेद। ये देखो नहीं बनाया क्यों? ये हमने कल बता कि पलाव लगा हुआ किसी अंदर, मैं तो उसने कहा परसों ही बोलकर गई थी आपसे, फोन करवाना सारा बेहोश हो गई है। क्या कह रही है? ये बना रहे हैं, क्या करूं, 40 रुपए पाव ले लूं, बना लूं, ले जाना 40 रुपए की दे डिमांड के अकॉर्डिंग। मैंने पहली बार मंगा रखा है इसलिए मैं मम्मी के लिए ले जा रही हूं, जल्दी किसी मम्मी को बोलती हूं मेरा बहुत खाने का मन है। कविता
तो दोस्तों मेला तो चलता रहेगा, लेकिन अब हम भी घर की ओर चलते हैं और घर की ओर जाने के साथ ही हम आज के ब्लॉग का समापन करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।